हाँ मित्रों देख अपन पॉइंट पढ़ रहे कौन सा महीने के आधार पर तुलनात्मक अब इसमें सबसे पहले दो प्रकार के क्वेश्चन कितने प्रकार के आते हैं मित्रों दो प्रकार के दो कौन कौन से आते हैं सबसे पहले की बात करें एक आएगा प्रश्न इसमें महीनों की समानता पर आधारित महीनों की समानता पर आधारित इसको कहते हैं मंथ इक्वलिटी क्या कहते हैं मंथ इक्वलिटी महीने कौन कौन से एक दूसरे के समान होंगे देखिए बात करें सबसे पहले नंबर एक छोटा सा एक उदाहरण उदाहरण ये है कि जैसे मान लिया कोई लीप ईयर है कौन से वर्ष की बात करें अपन लीप ईयर की बात करें लीप वर्ष में फरवरी महीने की 6 तारीख का वार यदि शुक्रवार हो क्या वार हो शुक्रवार हो अब तो पूछा जाएगा कि तारीख भी 6 हो वार शुक्रवार हो ऐसा वो महीना कौन सा हो अब सुनिए कैसे जो इनको भाई बोले हैं अगस्त वो कैसे है याद क्यों है कंडीशन क्या है प्रश्न की लैंग्वेज कैसे जैसे कि क्वेश्चन ने कहा किसी लीप वर्ष में 6 फरवरी को शुक्रवार है तो अन्य कौन से माह की 6 तारीख को शुक्रवार होगा ये छोटा सा प्रश्न इसमें अपन क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के लिए कैसे हिट करेंगे वो अपन को देंगे महीने के कोड याद है क्या आपको महीने के कोड बताओ याद करवाए थे ना आपको बताओ क्या क्या है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चलो बताओ साधारण वर्ष के लिए क्या होगा 144 0 36 140 सही बात याद है ना सभी को अच्छा उसके बाद बात करें कौन से वर्ष की लीप वर्ष में क्या होता है जनवरी में 1 की जगह फरवरी में 4 की जगह बाकी सब क्या रहेंगे 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6 बताओ कोई दिक्कत अब देखिए जो अपना प्रश्न है वो यहाँ से डायरेक्ट हिट हो जाएगा कैसे भाइयों वर्ष कौन सा है कौन सा है लीप वर्ष में महीना कौन सा है देखिए ये कोड क्या बता रहे हैं ये कोड किसके हैं कौन से वर्ष के लीप वर्ष में फरवरी का कोड कितना है तीन कितना है ये देखो कि ये तीन कोड और कौन से महीने का कौन से महीने का तो बताओ फरवरी का कोड किसके मैच हो रहा है तो बताओ फरवरी महीना किसके समान होगा अपना उत्तर क्या होगा बैठी का बात दिमाग में आया ना हाँ। बात आती है कि अन्य कौन से महीने एक दूसरे के समान होंगे अब मैं प्रश्न बोलूंगा एक छोटा सा आपको उत्तर बोलना है रेडी हो जाइए अच्छा क्या आएगा देखो मैंने कहा साधारण वर्ष में कौन से वर्ष में साधारण वर्ष में कौन सा महीना जनवरी महीना मंगलवार से शुरू हुआ हो तो अन्य कौन सा महीना भी मंगलवार से शुरू होगा अक्टूबर क्योंकि साधारण वर्ष में देखो जनवरी का कोड एक और कोड एक किसका आता है अक्टूबर का जनवरी का एक मंगलवार हो तो एक अक्टूबर का वार भी मंगलवार होगा तब इधर देखिए कौन कौन से महीने यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग सही है वो देखिए यहाँ पे कौन से वर्ष की बात लिख रहा हूँ साधारण कौन से वर्ष की बात है साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने पहले आप उठा के ले आओ किसको जनवरी यहाँ पे मैंने नाम लिखा दोस्तों कौन सा जनवरी अब जनवरी का कोड कितना है एक कोड कौन सा महीना ऐसा जिसका कोड भी एक होगा अक्टूबर
की बराबर है, समान है, किसके समान है? अक्टूबर। अच्छा जनवरी के बाद कौन आएगा? फरवरी। कोड कितना है? चार। तो फरवरी का कोड क्या है? तो फरवरी किसके समान है? मार्च। कोड किसके बराबर? नवंबर। किसके बराबर? नवंबर। वेरी गुड। किसके बाद आता है अगला पॉइंट? फरवरी के बाद मार्च आ गया, आया कौन आगे? अप्रैल। अप्रैल का कोड कितना है? जीरो। बोलो बोलो। जीरो। जीरो। अप्रैल जीरो कोड कौन है? जीरो। जुलाई। अप्रैल बराबर किसके होगा? जुलाई। जुलाई के, क्योंकि दोनों के कोड कितने कितने हैं? जीरो। अप्रैल के बाद कौन आता भाइयों? मई। मई का कोड कितना है? दो। अब ये देख करके बताओ इनमें दो किसी और महीने का कोड है क्या? नहीं है क्या? नहीं है। जून किसी के बराबर होगा क्या? आपको पूछ ले प्रश्न एग्जाम में, क्या पूछ लिया कि जून महीने की तीन तारीख का बाद, क्या कहा है? जून महीने में तीन तारीख का बाद रविवार हो, तो बताओ कि साधारण वर्ष में कौन से अन्य महीने की तीन तारीख का बाद भी रविवार होगा? आंसर क्या होगा? अरे जीरो नहीं, कोई नहीं। क्या कहोगे? कोई नहीं। कैसा कोई महीना ऐसा नहीं होगा जिसमें जून किसी अन्य महीने के सदृश हो या जून किसी अन्य महीने के समान। इसी प्रकार देखिए मई और जून की दोनों की घटनाएं समान क्या? मई का जून का कोड देखो कितना है? पाँच। इसी के बराबर है? नहीं। मई का कितना? दो। इसी के बराबर है? नहीं। अब आगे बढ़े, जुलाई आ गया, अगस्त का देखो कितना है? कौन से वर्ष की बात कर रहे हैं? साधारण। तीन बताओ साधारण वर्ष में और है किसी का मामला? नहीं। छोड़ दो इसको भी। सितंबर का कितना है? छह। दिसंबर का कितना है? छह। यहाँ पे क्या लिख दूं? सितंबर और कौन? दिसंबर। ये दोनों महीने आपस में क्या होते हैं? कौन कौन से बच गए यहाँ पे? मई, जून और एक पहुंचा अगस्त। ये तीनों महीने क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर? अन्य किसी माह के समान नहीं होते, अन्य किसी माह के समान नहीं होते। ठीक है, यहाँ तक की बात अब बात करें वो तो साधारण वर्ष की होगी। अब बात करते हैं कौन से वर्ष की? बोलो। लीप वर्ष। कौन से वर्ष की? लीप वर्ष। लीप वर्ष में चलो स्टार्ट करते हैं कहां से? जनवरी। कहां से स्टार्ट करेंगे? जनवरी से। ये लिखा मैंने यहां पर जनवरी। अब बताओ जनवरी का कोड लीप में कितना? जीरो। आवाज नहीं आ रही? जीरो। जीरो। जनवरी का जीरो और किसका जीरो है? अप्रैल। किसका है? जुलाई। यानी लीप वर्ष में जनवरी बराबर हुआ किसके? अप्रैल। बराबर हुआ किसके? जुलाई। किसके बराबर हुआ? जुलाई। जुलाई को लिखकर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। फरवरी का कितना है? तीन। और तीन किसका है? अगस्त का। यानी लीप वर्ष में फरवरी महीना किसके बराबर हुआ मित्रों? अगस्त। अगस्त के बराबर हुआ। आगे बढ़ते हैं, फरवरी के बाद कौन आ रहा है? मार्च। मार्च का कितना है? चार। चार और किसका है? नवंबर। तो बताओ मार्च महीना किसके बराबर सदृश होगा? नवंबर। आवाज नहीं आई? नवंबर। अब एक पेयर और देखिए कौन सा ऐसा बन गया? सितंबर और दिसंबर। दिसंबर का कितना है? छह। दिसंबर का कितना है? छह। तो दिसंबर का भी कितना होगा? छह। बोलो। छह। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से महीने ऐसे हैं जो किसी अन्य महीने के समान नहीं होते, बताओ बताओ। एक तो कौन सा? मई। मई कौन सा? जून। और एक कौन सा? अक्टूबर। एक कौन सा बताया? अक्टूबर। बताओ यहाँ पे कंडीशन ये किसी अन्य महीने के समान होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। बोलो। नहीं होंगे। कतई नहीं होंगे। तब अपन को करना क्या है? जैसे हम प्रश्न पूछूंगा आपके उत्तर आने के आ जाएगी क्या? पक्का? यस सर। देखता हूँ कितनी जोर से आवाज आती है। सबसे पहले मैंने आपसे ये पूछ लिया
लीप वर्ष में, कौन से वर्ष में? लीप वर्ष में। लीप वर्ष में मार्च महीने की शुरुआत, कौन से महीने की शुरुआत? मार्च महीने। मार्च महीने की शुरुआत शनिवार से हुई हो तो हमने कौन से महीने की शुरुआत? नवंबर। कौन से की? नवंबर। नवंबर, वेरी गुड। अगर मैं यही प्रश्न पूछ लूं कि किसी वर्ष के सितंबर माह में 10 तारीख का वार शुक्रवार हो तो आज कौन से महीने की 10 तारीख का वार शुक्रवार होगा? दिसंबर। बताओ। दिसंबर। ये है क्या? यस सर। पक्का? साधारण वर्ष लीप वर्ष की गणना बता सकते हो? यस सर। अब यहाँ पे मेरा एक और अच्छा थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ। यस सर। रेडी हो सारे? यस सर। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा इस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि लीप वर्ष के, क्या बोला मैंने? लीप वर्ष के। लीप वर्ष के कौन से महीनों की शुरुआत एक समान वार से होने के साथ साथ, क्या बोला मैंने? एक शुरुआत क्या हो? एक समान वार से होने के साथ साथ उनकी समाप्ति भी एक समान वार पर हो। जनवरी जुलाई। ध्यान दीजिए, इधर मैं सोल्ट पे लिख रहा हूँ 24 बार। वर्ष कैसा हो? लीप वर्ष। कैसा वर्ष हो? लीप वर्ष में ऐसा कहा है वो महीने कौन से हैं? वो महीने कौन से है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा है, जिनकी शुरुआत क्या हो? एक समान वार से होने के साथ साथ समाप्ति भी क्या हो? एक समान वार पर हो। मतलब ये कंपल्सरी नहीं है कि सोमवार से शुरू हुआ तो समाप्ति भी सोमवार पे हो, नॉट कंपल्सरी। मैंने प्रश्न बोला है कि शुरुआत एक जैसी हो लेकिन साथ साथ उनका एंड भी एक अलग वार हो, यानी कोई जनवरी और जुलाई। कारण देखो, जनवरी एक, अप्रैल एक, जुलाई एक, स्टार्ट एक जैसे हुए क्या? अरे भाई एक तारीख का सोमवार तो एक अप्रैल सोमवार, एक जुलाई सोमवार, लेकिन स्टार्ट को एक जैसे वार से हो गए, क्या समाप्ति भी इनकी एक जैसे वार पर हो रही है? याद कर ले जाए, रेडी हो क्या? अच्छा बताओ, जनवरी कितने दिन की होगी? 31। अप्रैल कितने? 30। जुलाई कितने पे? 30। अब बताओ बराबर है क्या? नहीं है। देखो अप्रैल 30 पे लुढ़क गया, मतलब ये एक बार पहले खत्म हो गया, हाँ है ना? यस सर। लेकिन ये देखो जनवरी और जुलाई एक और एक को एक जैसे शुरू हुए थे, 31 को एक जैसे खत्म होंगे कि नहीं होंगे? बोलो हाँ। अच्छा जी, क्या और ऐसा केस बन सकता है? देखते हैं। फरवरी एक, अगस्त एक, फरवरी एक, अगस्त एक शुरू समान होने क्या? वार से मिलेगा क्या? फरवरी बराबर है किसके? अगस्त एक एक का वार भी सेम, पांच पांच का वार भी सेम, और लीप वर्ष में 29 फरवरी का वार 29 अगस्त को तो सेम होगा, लेकिन क्या 31 अगस्त को एक जैसा होगा क्या? नहीं होगा। अलग अलग वार मिलेंगे, एक 29 पे खत्म, एक 31 पे खत्म, तो सेम सेम मिलेंगे क्या? नहीं, अलग अलग वार हो गए। मार्च एक, नवंबर एक शुरू एक जैसे, लेकिन मार्च 31 पर, नवंबर किस पर? 30 पर शुरू एक जैसे हुआ, लेकिन एंड क्या हुआ गया दोनों का? अलग अलग वार हो गए, हाँ है ना? भाई दोनों 30-30 दिन तक तो समान चलेंगे, लेकिन ये तो 30 पे खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो अगले वार पे खत्म हो जाएगा, एंड में वार अलग अलग हो गया। सितंबर दिसंबर में भी सेम पोजीशन, सितंबर 30 दिन का, दिसंबर 31 दिन का, इसमें भी काम गड़बड़ा रहा है। तो बताओ लीप वर्ष में कौन से दो महीनों का ऐसा जॉइंट होता है जो शुरू एक समान वार से और समाप्त भी एक समान वार पर? बोलो जुलाई। यही अगर कंडीशन आपको साधारण वर्ष के लिए पूछ ली जाए, कौन से वर्ष के लिए पूछ ली जाए? साधारण वर्ष के लिए पूछ ली जाए। तो बताओ कंडीशन यहाँ जो ले सके, जनवरी और अक्टूबर,
अक्टूबर और अक्टूबर क्योंकि जनवरी इकतीस और अक्टूबर भी इकतीस बात बढ़ेगी पक्का यस सबकी आ जाएगी की